वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज एफएम जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो आज 8.50 पे ट्रेडिंग कर रहा हुआ नजर आ चुका है, यानी कि 8.50 पे क्लोजिंग दे चुका है जेपी एसोसिएट लिमिटेड स्टॉक। आज के दिन में 25 पैसे की गिरावट देखने को मिले, तकरीबन 2.86% की गिरावट देखने को मिले जेपी एसोसिएट स्टॉक की में आज के दिन में। तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि फ्लैट ओपन हुआ था, ओपन होती यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा, वही से गिरावट देखने को मिली थी। पर नीचे 8.50 लेवल ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया जेपी पावर स्टॉक के लिए और यहाँ पे लो के ऊपर ही क्लोजिंग दे चुका था आज के दिन में, यानी कि ओपन हुआ था 8.75, हाई बनाया था 8.75 का और लो है 8.45 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 2.10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 1.19% अप है। लास्ट 1 मंथ की बात की जाए तो लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे आप देख सकते 24 मूवमेंट देखने को मिले। तो जेपी एसोसिएट के चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो इस मंथ में देख सकते हो हल्का सा बाउंस बैक किया था जेपी एसोसिएट ने, पर ऊपर यहाँ पे मंथली रजिस्टर और उसी के साथ जो ब्लू कलर का लाइन है जो कि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे में उसका रजिस्टर लगते ही गिरावट देखने को मिली थी। पर नीचे भी आता है तो यहाँ पे मंथली पीरियड का यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे इस मंथ में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ चुका है। 8.45 लेवल पे यहाँ पे मंथली जो है सपोर्ट है, मंथली पीरियड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है कोई भी स्टॉक के लिए, तो उसी का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है जेपी एसोसिएट लिमिटेड स्टॉक अभी रिसेंटली। तो यहाँ से बाउंस बैक भी होता है तो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 जो है 9 लेवल के ऊपर वहाँ तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं जेपी एसोसिएट स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जेपी एसोसिएट स्टॉक के लिए।